मनुख गुरु दे राह ते नहीं तुरदा उस उदों तई उस दी जिंदगी दे अंदर सच प्रगट नहीं हुंदा। उसका जेड़ा मन है उदों तई वस विच नहीं आउंदा, काबू विच नहीं आउंदा, मन दौड़दा है। और मैं आप जी ने इस तो पहला ये दसना चाहना सात समय गुरु मनुख की जिंदगी विच महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ये बहुता जरूरी है गुरु के राह ते तुरना। जिमें एक मनुख भारत विच रह रहा है, अमेरिका चला जाए, अमेरिका जा के उतों के कानून की ने, ला की ने, इनू नहीं पता। उते केड़ा व्यापार लाहेदा है, केड़ा व्यापार माड़ा है, केड़ी चीज़ विच ए तरक्की करेगा, केड़ी चीज़ दे विच इनू तरक्की नहीं मिलेगी। ये जेड़ियां सारियां चीज़ां ने ये कौन दस सकता है जिहड़ा उत्थों दा मनुख रहण वाला होवे, इनू नहीं पता क्योंकि ये नवा गया है। इवें ही इस दुनिया के उत्ते जिन्नी भी दुनिया आई हुई है सारी नवी है, कोई दसां सालां तो आया है, कोई वीहां तो आया है, कोई पंजावां तो आया है, ऐसा कोई नहीं है जिहड़ा जदों दी दुनिया बनी है रब ने जैसी बनाई है उदों दा ही नाल तुर रहा होए, ऐसा नहीं है। कोई 20 सालां तो है, कोई 30 सालां तो है, कोई 50 सालां तो, सदा तो नहीं है। हुण पर जिहड़ी दुनिया दे विच ये विचर रहा है ये हजारां सालां तो, ये लखां सालां तो, इस करके हुण ये मनुख इत्थे नवा है। इस दुनिया दे विच इन्हें आके लैना की है, इन्हें प्राप्त की करना है, इहनू हुण कित्थों पता लगे। इहदे वास्ते इहनू कोई ना कोई गाइड जरूर चाहिए है। जिवें अमेरिका विच गया होए बंदे नू गाइड चाहिए, ऐसा ना होए कोई ऐसा ऑफेंस करे, कोई ऐसा अपराध करे, सारी जिंदगी जेल में ही कट्टनी पे। उहदे वास्ते जिहड़े उत्थे उहदे रिश्तेदार ने उह दस दिंदे ने। एवें ही महाराज कहिंदे तूं दुनिया दे उत्ते आया, दुनिया दे उत्ते तूं लैण की आया, दुनिया च केड़ी चीज़ अगर विहाजेगा, केड़ी चीज़ व्यापार करेगा तेरे फायदे विच जाएगी, केड़ी चीज़ तैनूं नुकसान देगी, केड़ी चीज़ दुखदायक है, केड़ी चीज़ सुखदायक है, ये दसेगा गुरु। क्योंकि गुरु ने ये सारा पसारा महसूस किया होया है, गुरु आप परमेश्वर नाल जुड़ चुके हैं, परमेश्वर वर्गा ही हो चुके हैं। गुरु नू इत्थों दा सारा कुछ पता है, भावें ओ दुनियावी ज्ञान है, भावें ओ अध्यात्मक ज्ञान है, गुरु इन्हां चीज़ां बारे जानदा है। तां करके गुरु अपने अनुभव चों मनुख नू कुछ ना कुछ दसदा है, अपने अनुभव दे विचों कुछ ना कुछ दिंदा है अते समझाउंदा है, पुरखा ये चीज़ करेगा नुकसानदायक हो जाएगी। हुण महाराज दा मान लो वचन है, निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुगध करन। हुण गुरु ये वचन कह रहे हैं, इहदे विच बड़ी डूंघाई होएगी। गुरु ने क्यों किया, निंदा किसे दी चंगी नहीं, इहदे पिछे किन्ना लम्मा अनुभव होएगा, किन्नी डूंघाई होएगी इहदे विच। ताई असीं कहने आ गुरबाणी बड़ी डूंघी है। डूंघी दा मतलब की है,
गुरु का अनुभव बड़ा डूंगा है। कई काम साध संगत जिंदगी विच ऐसे होंदे ने जिन्हां बारे उत्तों उत्तों वेखण नूं लगदा है ये ठीक ने, पर मनुख जदों कर बैठदा है रिजल्ट उन्हूं उदों ही पता लगदा है उहदा। इस करके अज का जिहड़ा मजमून है जिहदे बारे गुरु जी गल करदे ने उह गुरमुख शब्द की गल करदे ने, गुरुमुख जिहदा ध्यान गुरु वल नूं है, जो कुछ गुरु कहिंदा है वह मनदा है। क्यों? इहदे वास्ते पहलां इह गल जरूरी होनी चाहीदी है, मनुख गुरु की गल उदों मनदा है, गुरु की गल उदों समझदा है जदों उस नूं पता लग जाए जो कुछ ये कह रहे हैं एक रत्ती मासा भी इहदे विच फर्क नहीं है, उस तों पहलां नहीं मन्ने। जिवें जिंदगी दे अंदर किसी मनुख ने अपनी जिंदगी च सफलता प्राप्त करनी है, किसी ना किसी उपाधि ते अपड़ना है, कोई पद प्राप्त करना है, उहदे विच जे उहनूं कोई सलाह दे ते उह सलाह दे नाल कोई मनुख जिंदगी विच वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाए, फिर मनुख कहिंदा है इहने मैनूं सलाह दित्ती सी इहदे करके जो कुछ भी हाँ मैं इहदे करके। मनुख कह दिंदा अज जिंदगी विच मेरे कोल जो कुछ भी है मेरे माता पिता करके है, मेरे दोस्तों करके, कुछ ना कुछ दस दिंदा। एवें ही साध संगत गुरु की गल भी है, जिस दिन एक पंक्ति गुरु की महसूस हो गई, अनुभव हो गई, उस तो पहला नहीं, उस तो पहला पढ़िया जाता है, समझिया जाता है, जिस दिन अनुभव हो जाती है उस दिन मनुख गुरु तो पिछे नहीं हटता। हजे तई मनुख परमेशर तो गुरु तो पिछे ताई है ना, इनू हजे परमेशर महसूस होया ना गुरु की कही हुई गल महसूस हुई है, और इनू डूंगे होर अगले पद्धर ते वेखिए गुरु की है। गुरु महसूस करन वाली एक शक्ति है, गुरु की बाणी महसूस करन दा विषय है ये दुनिया में, ना याद करन दा विषय है ना पढ़न का विषय। महाराज ने बाणी विच किया भी है, कई ऐसे लोग ने बड़ी वेदां दी विचार भी कर लेंदे ने, वेदां नूं पढ़ भी लेंदे ने, पर अपनी जिंदगी दे विच उन्हां नूं अनुभव नहीं करते। इस करके मनुष्य एक प्राणी है, इहदे विच वाहिगुरु ने इन्नी शक्ति बख्शी है जिहड़ी भी चीज़ नूं इह वेखदा है उहनूं महसूस कर लैंदा है, जिहड़ी भी चीज़ नूं इह हथ लाउंदा है उहनूं महसूस कर लैंदा है। आपां हथ ला के महसूस कर लैंदे आ गर्म की है ते ठंडा की है, प्लेन की है, समतल की है ते कंडेदार की है, हथ ला के महसूस कर लैंदे आ। पर साडा जिहड़ा मन है इह भी महसूस कर लैंदा है, बड़े वड्डे पद्धर ते मनुख समझ भी जांदा है फलाना मनुख गलत है फलाना ठीक है, पर जिंदगी दे विच गुरु दी बाणी नूं इह महसूस घट करदा है, घट समझदा है। महाराज गुरु अर्जन साहब जी दे कोल एक सिख तुर के आया, महाराज गुरमुख कौन है ते मनमुख कौन है? महाराज कहिंदे भाई किसे नूं इत्थों भेजिए कोई चीज़ लैण लई, हुण ओह मनुख चला भी जाए पर किसे शहर बाज़ार दे विच जा के जिहड़ी चीज़ लैण लई असीं उहनूं भेजिआ उत्थे जा के मस्त हो जाए वापस खाली आए। महाराज कहिंदे उहनूं मनमुख कहा जांदा है, क्यों? उहने गुरु दी गल नहीं मन्नी, गुरु की गल उस याद नहीं रही। याद ना रहने का कारण की है? बाजार, बाजार की चकाचौंध, इतने मनुख न गुरु की गल ना याद रहने का कारण की है? आ दुनिया के खिड़ते हुए पदार्थ, या तो मनुख का ध्यान खाण में है तां भुल गया है, या पाण में भुल गया है, या रहने भुल गया है। हजे एदा ध्यान
इन्हां तिन्नां विचों किसे एक च है तां इहनूं गुरु याद नहीं है। और फिर मैं एक बेनती होर कर दिया सत्संग, गुरु नूं परमात्मा दे जे बचनां नूं याद करना है इहदे विच गुरु दा फायदा नहीं है। रब नूं याद करना है, वाहिगुरु जी नूं याद करना है, मनुख ने गुरु दे बचना नूं बार बार समझना है, इहदे विच गुरु दा कोई फायदा नहीं, इहदे विच मनुख दा ही फायदा है। इहदे विच मनुख दी जिंदगी विच बदलाव इहदी चाहुणा है, गुरु ते आप पूरा ही है। पहले गुरु वास्ते कोई एक सुने, गुरु वास्ते पंजाह सुन, गुरु नूं गिणती तों कुछ लैणा देणा नहीं है। हुण महाराज कहिंदे ने जिहड़े मनुख गुरमुख बन जांदे ने उन्हां दी जिंदगी विच किहड़े किहड़े बदलाव आउंदे ने। पहला महाराज कहिंदे ने गुरमुख साच शब्द विचार है कोई। पहला तो इत्थे कंडीशन्स ने, कहिंदे कोई विरला ही मनुख है जिहड़ा गुरु दे सच्चे शब्द दी, गुरु दे मुख होके सच्चे शब्द दी विचार करदा, सच्चाई दी विचार जिहड़ा करदा वह कोई विरला ही है, हरेक नहीं है। कोई कोई मनुख हुंदा जिहदे अंदर इस प्रकार का माधा लगता है कि मैं गुरु की गल सुन लवां, गुरु की गल समझ लवां। ये लगता भी उदों है जदों कोई ये कर्म तकड़े हो जाते हैं, उस तो पहला ये लगता भी नहीं। जिवें कहिंदे ने ना, कई बार मनुख कहिंदा है मैनूं फलाना सबजैक्ट समझ नहीं आऊंगा, ज्यों ज्यों उहदा थोड़े कमाई वधदी है, दिमाग वधदा है, हौली हौली वह समझ आउंदा है। एवें मनुख जदों वाहिगुरु रब दे नाल जुड़दा है, हौली हौली इहदी बुद्धि थोड़ा जिहा दुनियावी मोह तों टुटदी है, फिर ये जाके किते हौली हौली गुरु नाल जुड़दा है, कोई गुरु की गल इहनूं समझ लगती है, आनंद भी आउंदा है। नहीं जदों तीं भज रहे है, भजदे हुए मनुख जी टी रोड ते गड्डी जा रही है 100 दी स्पीड दे विच, कुछ नहीं पता लगता की साइडां च हो रहा है, की आ रहा है की नहीं आ रहा, तेजी नाल जा रही है। एवें मनुख की जिंदगी भजी जा रही है, किहड़े किहड़े स्टेशन जिंदगी च आ रहे ने पता ही नहीं लगता। साध संगत बड़े मनुख जिंदगी विच ये कह देंदे ने बचपन तो कदों बुढ़ेपा आ गया पता ही नहीं लगा, कह देने कल दियां ते गल्लां ने, हजे थोड़े ते दिन होए ने पता ही नहीं लगा कदों ये, क्यों एक तेजी विच जिंदगी निकल गई। एक किसे एवें समझ लिया जाए किसी ना किसी प्यार विच जिंदगी निकल गई, वह प्यार किसी भी चीज़ का, माया का हो सकता है, पदार्थ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। पर महाराज कहिंदे कोई विरला मनुख है जिहड़ा सच्चे शब्द की विचार कर रहा है, क्योंकि हरेक मनुख के इन्ने कर्म नहीं होंदे वो सच्चाई की विचार कर सके, समझदारी नाल सच ते झूठ नूं पछाण सके, क्योंकि इन्नी बुद्धि का मालक, इन्नी समझ का मालक जिहड़ा गुरु के बचना से तुरद उ हो सकता है, हरेक कोई नहीं। अगे महाराज कहते हैं गुरमुख सच बाणी प्रगट होए, जदों गुरु के राह पर तुरद ये अंदरों फिर सच्ची बाणी प्रगट होंगी है, सच्चे बोल प्रगट होंगे ने, सच्चाई प्रगट होंगी है। जदों मनुख गुरु के राह पर तुर पैंदा है, गुरु दियां गल्लां ते तुर पैंदा है, सत्संग झूठ बोलना भी चाहेगा नहीं बोल सकेगा, क्यों उहनूं अनुभव हो गया झूठ नहीं बोलना। गुरु के मार्ग से तुरेगा, किसी के नाल दवैख करना भी चाहेगा नहीं करेगा, क्यों उहनूं अनुभव हो जाना है। महाराज तो कहिंदे ने कई वारी मनुख ये विचार यही कर ले, जद रहना ना ही एत जग तां कायत गर्भ हंडी है, जदों मनुख नूं ये पता ही लग गया ये दुनिया ते मैं सदा नहीं रहना, फिर कहिंदा अभिमान भी कादा करना। रात एक बेनती कर रहे सात संगत, गुरु महाराज कहिंदे ने तू दुनिया ते परौना बन के आया है,
और आप जी नूं पता होएगा जेड़े परौने हुंदे ने ना वो किसी के घर जाते ने बड़े खुश होंगे ने टेंशन मुक्त होंगे ने क्यों रोटी वधिया मिलनी है रोटी की कोई परवाह नहीं कम कोई नहीं करना पएगा चंगे वस्त्र पा के परौना आनंद लैंदा है उत्थे महाराज कहिंदे तू भी ये दुनिया ते परौना है और ये घर के दा दुनिया किहदी है महाराज कहिंदे ने ये जग सच्चे की है कोठड़ी रब दा घर है जिन्नी इत्थे दुनिया है ये सारी रब दे घर विच परौना बन के आई है पर जे किते परौना आके रिश्तेदारां दी प्रॉपर्टी ते मल मारन लग जाए लोकी कहणगे कमला हो गए पांच चार दिन बाद ते तू चला जाना है तू क्यों मल मार रहे है नहीं मैनू ये चाहिए है ये मेरी है तेरी नहीं है तेरी ते उत्थे होएगी जिथों तू आया है ये ते किसे होर दी है मनुख नूं परमात्मा ने भेजिया परौना बना के तू दुनिया ते आया आनंद नाल रह शांति नाल रह क्योंकि तेरा रहना कोई बहुता लम्मा नहीं है तेरा इत्थे रहना महाराज अंधे जीव ना विचार देख केते के दिना परौना बन के आया चंगा बन के रह आनंद लै रब ने जिंदगी दिती है जिंदगी नूं वेख समझ एवें क्यों वसनीक बनना चाहना है तू वसनीक पक्का नहीं बन सकता मनुख इस दुनिया ते पक्का वसनीक नहीं बन सकता परौना है पर ये भुल गया मैं परौना ये समझ अपने आप नू वसनीक बैठा है ताही ये कहिंदा है हुण बैठा किसे दे घर है हुण जिहदे घर जाइए रोटी की चिंता उन्हू हुंदी है ये अपना वसनीक बन कहिंदा मैं बड़ी चिंता है मैनू रोटी मैनू किवें मिलेगी मेरे बच्चियां नू किवें मिलेगी बाणी ने तय किया नानक चिंता मत करो परौना जी चिंता ना करो चिंता ते सही है जिन्हें ये सृष्टि बनाई है उन्हू है चिंता तू ना कर पर इनू हुण समझाए कौन गुरु बड़ी वारी इनू आवाजा मारदा है जो कुछ तू समझ रहे है वो तू नहीं है जो कुछ तू है उदो तो अज ती समझ ही नहीं महाराज तो इन्ना भी कहिंदे ने देखण आयो जगत तमाशा तू दुनिया ते तमाशा वेखना है तमाशा विखा ना मनुख जाए किते पहला तमाशे पिंडां विच लगदे हुंदे सी कोई भालू वाला आ गया किसी ना किसी तरीके च वो नचदे हुंदे सी लोग हसदे सी पर जे मनुख कहे मैं ही तमाशा विखाउणा लोग फिर हसणगे अज वो गल हो रही है मनुख दे चेहरे उतरे पए ने पता नहीं केड़ियां परेशानियां विच केड़ियां चिंतावां विच डुब गया है किन्ना लम्मा ये सोची बैठा मैं कई बार आप जी नूं बेनती कीती है अपनी जिंदगी तो 20-25 साल ये अगे ही जी रहा है कई मनुख अपनी जिंदगी तो 10 साल अगे जींदे ने कई 20 साल कई ऐसे भी ने जिहड़े 60-60 साल अगे जींदे ने भाव अपने पोतरियां दे विच जी रहे ने अपने विच नहीं कई तो अपने पुत्तां विच ही जींदे ने फिर भी ठीक ने कई पोतरियां विच जी रहे ने योधा तो भी अगे जी रहे ने ऐसा नहीं सस जिंदगी अज है अज दे विच जीनी चाहिए है महाराज ने ताही कहा तू रब दा ना हुण लै हुण वाली घड़ी सुलखणी कर अगली घड़ी दा तैनू की पता है इस घड़ी दा आनंद माण जिहड़ी हुण मिली हुई है पर ये सारा कुछ संभव तां है जे इन्हें कोई गुरु बना लिया होए पर सानू गुरु मिले हुए ने सिर्फ मनुख ने गुरु की गल नू समझना ही है और साध संगत बड़ा वड्डा मनुख नू गुरु मिलिया होए मैं तो कई बार सोचदा असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का मनुख ने अज तक किन्ना क लाभ लिया कोई एक मनुख भी कहे भी मैं इस शब्द महाराज का ये शब्द है ये हुक्मनामा आया सी जिस दिन का पढ़िया महाराज ने कहा नाम जपो उस दिन दे जप रहे हैं बस जिंदगी आनंद ही आनंद है मैं गुरु तो बड़ा लाभ खटिया
बहुत लाभ खटे। जिमें कोई मनुख दे कोल वड्डी गड्डी होए ओ गड्डी नू यहाँ ते दर्शना लई किते जा सकदा है, जे ओ वड्डी गड्डी दी छत वढ़ के उहदे विच पट्ठे ढोंदा फिरे, पशुआं लई चारा ढोंदा फिरे, लोकी कहणगे तू की लाभ लै रहे हैं तू, ये गड्डी चारा ढोण वास्ते नहीं है, इहदे विच तू आनंद माण सकदा है, दूर तई जा सकदा है, सैर कर सकदा है। इस तरीके नाल साध संगत गुरु दी बाणी आनंद लैण लई है, बद्दा चट्टी नहीं है। पर एक समा आ जांदा क्योंकि जिहड़ी भी चीज़ चलती है हौली हौली रोग उहदा अक्ष ही बदल दिंदे ने, हौली हौली लोग उहदा अक्ष बदलते रहिंदे ने। और कले सिख धर्म नाल नहीं बड़िया धर्मां नाल ऐसा होया, गुरु दीयां सिक्खियावां उहनां दीयां कुछ सन, अक्ष उहनां दे कुछ बदल गए ने। एवें सिख धर्म नाल होया, गुरु नूं आउंदिया आउंदिया बस नितनेम करना बद्दा चट्टी, नितनेम नाल प्रेम कोई नहीं, उधर गल्लां भी कर रहे, उधर नितनेम भी कर रहे है। बस नाल ही कहिंदा तुसीं 5 मिनट बैठो, मैं तो नितनेम करके आया। नितनेम 5 मिनटां दी चीज़ नहीं है प्यारिया, नितनेम ते गुरु दे नाल गल्लां ने, इह ते गुरु दा प्यार है। एवें महसूस होए इधर गुरु नानक बैठे ने, मैं बैठ के सुन रहा, वो नितनेम है। पर मैं फिर कह दिया जो जो चीज़ लम्मी चलती है बद्दा चट्टी उहदे विच आ जाती है, हौली हौली मनुख फैनेटिक हो जाते ने, कट्टरपंथी बन जाते ने, धर्म के असल अर्थ खत्म हो जाते ने। मनुख अपनी जिंदगी तो मैं कई बार सोचता हूं, कई बार मनुख धार्मिक बन के भी परेशान हो जाता है, दुनिया तो डरता रहिंदा, धर्म अंदरों उहदा दिल कुछ होर कहिंदा रहिंदा है, बाहरों बाणा कुछ होर पा लैंदा है, फिर सारी उम्र डरदा ही रहिंदा है। जे मैं इन्ने बजे ना उठिया लोग कहणगे इह ते बड़ा धार्मिक है, क्यों नहीं उठे, दिल नहीं करदा उठण नूं, अंदरों दुनिया के डर नाल उठना पैंदा। दिल अपना भी करता है मैं कुछ ना कुछ ऐसा करा, पर जे जिंदगी जो दुनिया कर रही है पर सोचता है लोकी की कहणगे, फिर मैं कह दिया गुरु तो नहीं डरदा, लोगों तो सारी उम्र डरदा रहिंदा, धार्मिक बन के भी डर लोगों का बनाई रखता। इस करके महाराज कहिंदे ने अपनी जिंदगी ये समझ, तू गुरमुख बन, गुरु दे राह ते तुर। जिहनूं महाराज बाणी च कहा जो गुर कहै सोई भल मानो, जो गुरु कहिंदा है उत्ते शंका ना करके बस मन लिया जाए। क्यों? क्योंकि जे गुरु दी गल नूं समझण लगांगे, पहलां तां समझण वास्ते बड़ी वड्डी समझ चाहीदी है, गुरु इन्नी छेती समझ विच नहीं आउंदा। सियाणे पुरखां दे बोल हुंदे थोड़े ने पर रमज तकड़ी हुंदी है, सियाणे लोग शब्द घट बोलदे ने रमज ज़्यादा हुंदी है, मूर्खां दे विख्यान ज़्यादा हुंदे ने गल विच कुछ भी नहीं हुंदी। कई लोग ऐसे ने जिहड़ी गल एक मनुख ने 15 पन्नियां च करनी है वह एक लाइन दे विच कर जांदे ने। एवें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दुनिया दियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां एक एक पंक्ति च कर जांदे ने। मैं कहना मनुख ने जो रोगों तो दूर होना, मैं थोड़ा जिहा एग्जाम्पल आप जी नूं दे दिया, फिर इहदे नाल मनुख का दिल भी टिक जांदा। मनुख नूं मन दे रोग ने, तन दे रोग ने, हुण कुछ मन दीयां समस्यावां ने जिहड़ियां दिन प्रतिदिन मनुख नूं तंग करदियां ने, और वह समस्या भी दो प्रकार दीयां ने, या तो बीते हुए कल दीयां या आउण वाले कल दीयां, इन्हां विच ही समस्यावां ने। या तो मनुख नूं इह चिंता है, इह सोची जांदा है मेरा कल गया है वह माड़ा गया है, ऐसा नहीं सी होना चाहीदा, या इह सोच रहा है जिहड़ा कल नूं आए वह ठीक आए, दो ही चिंतावां ने। पर इहनूं इह नहीं पता ना कल इहदे वस विच, जिहड़ा कल गया उह ते गया, जिहड़ा आउणा है वह इहनूं पता नहीं। हुण महाराज जी ने मनुख दी मानसिक समस्या नूं अते शरीरिक समस्या नूं दूर करन वास्ते सारा कुछ विचार के, महाराज कहिंदे ने भी जे दवाइयां मैं इहनां नूं दसण लग गया शरीर दीआं,
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਗੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਰੋਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੜੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਧੰਨ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਚਾਰ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਆਰਥਿਕ ਰੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਗ ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਆਦਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿਨਚਰੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਦਤ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਮਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹਿਜਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੇੜੇਗਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਫਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਰਲ ਫੋਮ 'ਚ ਹੈ ਲਿਕਵਿਡ ਫੋਮ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ ਫੋਮ 'ਚ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੈ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੈ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਪੌਦਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਲ ਦੇਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਰੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ
इनू उदन पता लगना है जिदन जड़ा बिल्कुल कट्टियां गई पत्ते झड़ झड़ के थले डिगण गए हूँ इन्हें वेखना है ये बन की गया मेरी जिंदगी दा मेरे नाल बनया की है। महाराज तां करके कहिंदे ने गुरु दे राह ते तुरिया मनुख दे अंदरों सच्ची बाणी प्रगट हुंदी है। इहदे बोल पवित्र हुंदे ने। रात मैं इत्थे बच्चियां दी क्लास लगदी उन्हां नूं कह रहा सी बच्चियो दुनिया वर्त रखदी है भुखे रहण दा। किन्ने ही वर्त दुनिया रखती है, तुसीं एक वर्त रखियो अज रखियो। वह वर्त की है? वह वर्त है जदों भी घरों निकलो जेड़ा भी मिले उन्हूं हाथ जोड़ के भावें मुखो ना बोलियो हस के एक बारी सिर चुका दियो। निवाणता का एक वर्त रखो, एक दिन रखो मिठा बोलण का किसी नूं भावें वह दुश्मन भी है जे हाथ जोड़ के एक दिन वर्त रख लीए दिल बड़ा शांत हुंदा है। एक दिन का वर्त जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ नवा करना चाहिए। जिंदगी ये नहीं है जैसी अज है कल भी अज खा लिया सो लिया, ऐसी नहीं। जिंदगी विच रोज़ कुछ ना कुछ नवा करो। महाराज ताई ते बाणी विच कहिंदे ने जे तू गुरु नाल जुड़ गया रोज़ कुछ ना कुछ नवा दिमाग विच आएगा। हजे तो वह पुराना ही है, किसी दियां यादां किसी दियां समस्यावां साडे दिमाग च ने, ऐसा नहीं। बाणी च महाराज कहिंदे ने साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता। एक प्रैक्टिकल है अपनी जिंदगी का, बड़ा सुकून मिलेगा। और अंग्रेज ने जेडे लोग अमेरिका जो सवेरे भी किसी नूं मिलन उन्हें हस के गुड मॉर्निंग कह ही देना, भावें उन्हें जानते ने भावें नहीं जानते। और साडियां बजुर्गों में एक गल पहला प्रचलित सी कि कोई भी मिलना उन्हों सत श्री अकाल फतेह बुलाई देंदे सी, भावें उन्हों जानते ने भावें नहीं। हुण मनुख विच होमे इन्नी प्रबल हो गई है, इनू जेब विच पया पैसों का माण ही इन्ना है, ये झुकण देंदा ही नहीं। जेडे घर विच बैठा है नेड़े दुआले दे छोटा कोई है अपने तो वड्डे दे भावें पैर ही पै जांदा है जे तो कुछ लैणा, छोटे नूं ते वेखदा भी नहीं, ऐसा हो गया। हुण उह कहिंदा है क्यों हिरदा सुक गया है, ते जेड़िया हिरदिया विच सोका पै जाए साध संगत उन्होंने हरियाली नहीं रही, ना चेहरिया से रही है ना बोलों में रही है। महाराज कहते गुरु के राह से तुर, गुरु की बाणी पढ़, चेहरे पर भी हरियाली आ जाएगी बोलों में भी आ जाएगी। अज बोल फिके ने, महाराज ता ही कहते ने फिका बोल वे गुचना सुन मूर्ख मन अजाण। फिका बोल ना बोली, क्योंकि फिका बोल किसी नूं हरा नहीं करता किसी नूं साड़दा है। ऐसा बोल कदे ना बोली जिहड़ा किसी नूं सुका दे। हुण महाराज अगे कहिंदे ने गुरमुख मन भीजै विरला बुझै कोई। महाराज अज बार बार ये गल कहिंदे ने बुझदा भी कोई विरला है, गुरु नूं जाणदा भी कोई विरला है। गुरु सामने है पर गुरु नूं समझ लैणा ये बड़ी वड्डी गल। मैं आप जी दे सामने बेनती करा, आनंदपुर साहब की जंग हो रही है, पहाड़ी राजिया ने हाथी तैयार किया, वे कोई गुरु नूं कोई विरला ही जानता हुंदा है। उन्हें तैयार किया हाथी, कहिंदे ये हाथी नूं शराब पियाई गई जाके आनंदपुर साहब की कंध विच वजेगा, आनंदपुर साहब के किले नूं ढह ढेरी कर देवेगा। महाराज जी नूं एक खबर पहुँचती है, गुरु साहब जी नूं सिख कहिंदे महाराज हाथी आ रहा है कौन लड़ेगा उहदे नाल। मेरे साहब जी कहिंदे साडे कोल भी हाथी है दुनी चंद, बड़ा तकड़ा ये लड़ेगा। दुनी चंद नूं ये पता लगा, सिखां नूं पता है कि कहिंदा है, कहिंदा महाराज ने तो मैनूं मरवाउण की तैयारी कर ली है। बंदे भी कदे हाथियां नाल लड़दे ने, मैं नहीं लड़ना। रात होई किले की कंध टप के भज गया। महाराज ये गल जाणदे सन, गुरु जाणदा हुंदा है किहड़ा मेरा स्नेही है किहड़ा मैनूं प्यार करदा किहड़ा मेरे तो उवें ही तुरिया फिरदा नाल नाल प्रशादे पखाउण वास्ते। क्योंकि जदों ते लंगर प्रशादा चलदा दुनिया रहिंदी है नाल नाल। बाणी ते कहिंदी है जदों ते घर विच बहुत कुछ है दुनिया नाल बड़े संबंध ने, जिचर पहनण खावणे टिचर रखण गंढ, जित दिन कछू ना हो गई तित दिन बोलण गंध। लोग एवें करते हैं जदों ती पावरां हुंदियां ने दुनिया जिंदाबाद मुरदाबाद के नारे लाउंदी है, जदों पावरां तो लादे लोग कहिंदे सारे देश नूं खा गए।
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਕੱਦ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਿਰਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੁੱਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ, ਕਈ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਦੀ ਹੋਈ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ,
सुने शास्त्र सिमरत वेद, तेनू ज्ञान भी हो जाएगा, दुनिया की समझ लग जाएगी, मन खुश हो जाएगा, जिस दिन तुरेगा थोड़ी जी अवस्था बनेगी, आनंद आ जाएगा, उस दिन यह सफर तय होना है। गुरु जी कृपा करन, सबना नू नाम दी दात, गुरबाणी गुरसिखी दी दात बख्शन। कल दी संगत दे विच आपां महाराज कहिंदे ने, जे गुरु नू नहीं सेवदा, जे गुरु नू सिखिया ते नहीं चलदा, फिर इहदा नुकसान की हुंदा है, उहदे बारे आपां कल नू गल करांगे। और दो तीन दिनां बाद श्री सुखमणी साहिब दी जिहड़ी कथा है, आपां उस दी आरंभता करांगे, क्योंकि सारी संगत सुखमणी साहिब पढ़ लैंदी है। उहदे विच महाराज, क्योंकि सुखमणी साहिब दी बाणी विच महाराज ने छोटी छोटी पंक्तियां च बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां दसियां ने। आम करके सिख पढ़ के ही अगे चले जाते हैं, बड़िया वड्डिया वड्डिया जुगतियां मुगतियां दे साधन गुरु ने दसे ने। हुण अगे दो चार दिन असीं उह कथा आरंभ करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी, सभना नूं गुरु साहिब दे अरोगता नाम दी दात, गुरबाणी गुरसिखी दी दात बख्शण। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।